हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हमने लास्ट वीडियो में कैलकुलेटर के बारे में सीखा कि कैलकुलेटर कैसे यूज होता है। मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कैलकुलेटर का, यूजेस बताए थे। आज हम इस कैलकुलेटर की मदद से आपके क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चंस क्या हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए क्या है, इक्विडिस्टेंस टर्म विच वन और मोर मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, आपको हेडिंग से समझ में आ रहा है इक्विडिस्टेंस टर्म, यानी कि x जो होगा उनमें बीच में डिफरेंस होगा ना, जैसे 100 से 101 कितना है 1, यानी कि ये डिस्टेंस तो इक्वल चलेगा, ठीक है। विच वन और मोर मिसिंग टर्म, और हमें बीच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि यहाँ पर एक वैल्यू निकालनी बोलेगी, ठीक है। यहाँ पर तो वैल्यू गिविन होगी 2 पॉइंट कुछ समथिंग 4 पॉइंट समथिंग, जो भी आपको गिविन होगी, और कुछ वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा एक्स 103, ठीक है, कुछ भी आपको बोलेगा, वो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब वो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड मैंने बताए थे। एक तो फर्स्ट मेथड होता है डायरेक्ट टेबल से करें, और दूसरा होता है कि ई की पावर 4 या ई माइनस आई मान लेते हैं डेल को। अब हम करेंगे इसको, तो देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, मैं यहाँ पर ये क्लियर कर रही हूँ। एक क्वेश्चन है गिवन गिवन लॉग 100 इक्वल टू 101 इक्वल 2.0043, लॉग 103 इक्वल 2.0128, और कितना है लॉग 104 इक्वल 2.0170, एंड फाइंड आउट लॉग 102। ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए क्या है, गिवन है लॉग 100 इक्वल 2, लॉग 101 इक्वल 2.0043, लॉग 103 की वैल्यू कितनी गिवन है 2.0128, और यहाँ पर लॉग 104 की वैल्यू 2.0170, एंड फाइंड आउट लॉग बेस लॉग 10। अब देखिए फर्स्ट में हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन में यहाँ लिखेंगे एक्स, यहाँ लिखेंगे फंक्शन जो गिवन है एफ एक्स, लॉग में जो गिवन है, ठीक है, और आगे लिखेंगे डेल वाई, ये आपको डेल एफ एक्स, ठीक है, आगे लिखेंगे डेल स्क्वायर एफ एक्स, आगे जितनी वैल्यू हमें निकालनी होगी। अब देखिए आप क्या करेंगे, 100 उतारा और इसके बाद 101 एक लाइन छोड़ के, फिर 103 और फिर 104, और इतनी वैल्यू हमें निकालनी है। अब हमारे पास 102 नहीं था, तो हम बीच में 102 भी लगाएंगे, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ देखिए 102 3 और 104, अब देखिए 100 की वैल्यू कितनी है 2, 101 की वैल्यू 2.0043, लॉग 102 की वैल्यू नहीं गिवन है तो छोड़ देंगे हम एज इट इज़। 103 की वैल्यू कितनी गिवन है 2.0128, लॉग 104 की वैल्यू कितनी है 2.0170, ये वैल्यू गिवन है। अब आप देखिए कि क्या करेंगे हम, यहाँ हमें 102 की वैल्यू गिवन नहीं है, तो यहाँ इसको हम एक्स नॉट मानेंगे, नॉट मानेंगे, यहाँ एक्स वन यहाँ एक्स टू, जब ये एक्स नॉट है तो ये कितना होगा वाई नॉट, ये कितना होगा वाई वन, तो ये कितना होगा वाई टू, ठीक है, इसको क्या मान लिया हमने वाई टू मान लिया। अब देखिए वाई टू माना, तो आपको मैंने बोला इक्विडिस्टेंस गिवन होगा, अंतराल जो होगा
वो इक्वल होगा, इंटरवल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ देखिए 100 से 101 में जाते हैं तो कितने का डिफरेंस है, 1 का। 101 से 102 में जाते हैं तो कितने का डिफरेंस है, अगेन 1 का। 102 से 103 में जाते हैं कितने का डिफरेंस है, 1 का। यहाँ पर भी क्या है, 1 है, तो हमारा निकल आया। अब हमारे पास ये है 2. डेल एफ एक्स, यानी नीचे इन दोनों के बीच में जो लाइन बची है वहाँ लिखते हैं वैल्यू, इसमें से ये माइनस करेंगे कितना आएगा आप बताइए मुझे, तो 2 - 0.0043 यानी 0.0043। ठीक, अब यहाँ ये वैल्यू गिवन नहीं है तो हम वाई टू माइनस ही करते हैं, वाई टू माइनस 2.0043। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा, 2.0128 माइनस वाई टू, और देखिए इसमें से ये माइनस करेंगे। अब देखिए कैलकुलेटर से मैं आपको करके दिखाती हूँ, कुछ भी नहीं है, इजी है। ऑन किया, ऑन का साइन दबाया, ऑन हो गया, उसके बाद हमारे पास 0.0 लगा दिया मैंने, तो इसको डिलीट कर दीजिए, डिलीट के ऑप्शन है, 0 माइनस 2.0128। ये देखिए मैंने लिख दिया, इसमें आपको आधी वैल्यू गिवन होंगी तो आपको और दिखानी है तो आप देखिए ये पूरी आ गई। ठीक है, आपको जो डिलीट करना है वो डिलीट कर सकते हैं, और इक्वल लगा दीजिए, ये आएगा 4.2। और मल्टीप्लाई का साइन आएगा, छोटा सा एक आपको साइन मिलेगा मल्टीप्लाई का, 10 की पावर -0.3। ठीक है, 10 की पावर -0.3 का मतलब हो गया, इसको अपॉन में लेके जाएंगे, 4.2 / 10^3। अब 3 का मतलब है इसको हटाओगे तो कितने आ जाएगी, 4 आएगी, 4 का मतलब है कितने संख्या बाद लगा दो, 0.0042। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, 42 आ गई। अब देखिए डेल स्क्वायर एफ एक्स निकालेंगे, डेल स्क्वायर एफ एक्स, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस होगा तो ये आएगा वाई टू माइनस 2.004686। ये क्या बचा, देखिए 2.0128 - y2 - y2 + 2.0043। ठीक है, तो कितने आ गए, यानी कि 8, 8 2 10 और 11, 4 2 6 1, 7 1, 0.224 - 2y2। ठीक है, आपको जैसी मर्जी है, आज से आपसे ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाए तो वो कर सकते हो आप, 1 - 2y2। ठीक, अब इसमें से हम माइनस कर दें, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करेंगे तो नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करेंगे, यानी 0.0042 में से कितना माइनस करेंगे हम, 2.0128 + y2 हो जाएगा। अब देखिए क्या आता है, यहाँ मैं आपको करके बता दूँ, यह आएगा 0.0042 - 2.0128। ये आपका आएगा माइनस के, यानी वाई टू प्लस का हो जाएगा यहाँ, और माइनस के 2.0086। ठीक है, ये वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, वाई टू माइनस 2.0086 - 4.071 + 2y2। ठीक है, +2y2 हो गया क्योंकि हमने नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस किया, यानी कि 3y2, और माइनस के 6 और 1 7, और 714 = 15। ठीक है, 2, 0 और 6 कितना आएगा, 3y2 - 6.0257। अब इसमें से ये वाला माइनस करेंगे, ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, डेल 4, डेल क्यूब तक हमने निकाल लिया था, अब हम क्या निकालेंगे, डेल 4, क्या निकालेंगे, डेल 4। अब डेल 4 यानी माइनस
माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस, 3y2 और माइनस 6.0257, ठीक है, कितना आएगा 6y2 11 और कितने दो दो चार एक पाँच, ठीक है 0 और कितना 12, 6y2 माइनस 12.0514, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने तो डेल 4y लास्ट वाला अंतर क्या होता है, हमेशा 0 के इक्वल में होता है, तो दैट इंप्लाइज डेल 4y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6y2 माइनस 12.0514 इक्वल 0, दैट इंप्लाइज 6y2 इक्वल 12.0514 और y2 इक्वल कितना आएगा आपके पास 12.0514 अपॉन 6, ठीक है। 6 का डिवाइड देंगे तो आपको मैं 6 का डिवाइड दे के बताऊँ तो आपका आता है 12.0514 डिवाइड 6, ठीक है। ये देखिए आप सभी देख लीजिए कितना आता है 2.00856 आता है, तो ये वाला अंक इधर बढ़ा के लिख दें तो इसको क्या लिख सकते हैं 2.0086, ये आपका क्या आता है आंसर आता है। तो इससे बीएससी फाइनल ईयर में जो आपने ये टेबल पढ़ी थी, ठीक है, उस टेबल के थ्रू आउट हमने इसको सॉल्व किया। और ये एक तो ये मेथड हो गया, ये आपका फर्स्ट मेथड है, ठीक है। कौन सा मेथड है, फर्स्ट मेथड है। इसके बाद हम सेकंड मेथड पढ़ेंगे, उसमें ई लेके सॉल्व आउट करेंगे, और ई लेके सॉल्व आउट करने का जो मेथड है यानी डेल 4 है उसको हम क्या मान लेंगे, ई माइनस आई की पावर 4 और वाई लिख के सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। इसको लेके सॉल्व आउट करेंगे और निकालनी वैल्यू बताऊंगे। तो ये वाला जो मेथड होगा सेकंड मेथड वो बेस्ट मेथड होगा, ये केवल तभी सुटेबल है जब आपके पास एक वैल्यू नहीं हो, एक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए। और अगर आपके पास ये बोल दिया जाए कि y1 और निकालो, दो वैल्यू गायब कर दे यहाँ से y1, तो यहाँ बोल दे y1 निकालो और y2 निकालो, तो ये वैल्यू सुटेबल नहीं होती है, इनसे आपका सॉल्यूशन नहीं आता। तो आज आपने फर्स्ट मेथड पढ़ा कि हम टेबल के थ्रू आउट कोई वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब नेक्स्ट में मैं आपको डेल 4y की वैल्यू e माइनस आई से निकालना बताऊंगी, ठीक है। और आप सभी इनके नोट्स बनाते रहे क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस लेंथी बुक है और न्यूमेरिकल एनालिसिस में कैलकुलेटर का यूज़ होता है, तो आपको अभी से इसके नोट्स बनाने चाहिए प्रॉपर, ताकि आपके आगे डिफ़िकल्टी ना आए। थैंक यू सो मच।